हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 14 आपका ला एक क्वेश्चन रह गया था, जैसा कि आप इस बुक में देख पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डाल लीजिए आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक क्वेश्चन करा भी चुका हूँ इसी तरीके का, बिल्कुल सेम यही पैटर्न है। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेटा 1-2 साल छोड़ के हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आपको इसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि इस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ईजिली कर लें इस क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपको कल ये कराया था, जैसे कि आपको याद हो, √3 + √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ये आप अच्छे से समझ गए थे। वही क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये बस ये पी एंड क्यू दे दिया, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम प्राइम्स नंबर, नो नॉट को प्राइम। तो आप अच्छे से इसको कीजिए, मैं स्टार्ट कराता हूँ। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताइए, और यदि किसी भी तरीके का क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बना दूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट से ही होते हैं, तो हम पहले लेट करेंगे कि ये जो हमारा इरेशनल है हमें प्रूफ करना है, तो हम इसको रेशनल लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट, प्रूफ लिखते हैं बेटा, स्टार्ट कर, लेट अस एज्यूम कॉमा टू द कॉन्ट्ररी, सी आर ए आर वाई, सी ओ एन टी आर ए आर वाई, दैट √P + √Q इज रेशनल नंबर। ये कैसा है, रेशनल नंबर है बेटा, ये रेशनल नंबर है, तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पी अपॉन क्यू है तो मैं इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख लूँगा। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। बेटा जैसे कि आपको देख पा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इस क्यू को एक, या क्यू को या पी को किसी भी एक चीज़ को इधर ले आएंगे, ए अपॉन बी -√Q। इसी तरीके से वो क्वेश्चन किया था आपको याद हो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, बेटा इधर का स्क्वायर करेंगे तो पी हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर इस पूरी का करेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ए -√Q/b, अब स्क्वायरिंग कर दी तो ऊपर का स्क्वायरिंग अलग होगा, नीचे का अलग होगा। ओके, आगे बेटे देखिए, पी यहाँ √P का होल स्क्वायर किया तो पी ना आएगा ना, पी इज इक्वल्स टू, अब ए -b का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर +b², तो यहाँ इसका होल स्क्वायर होगा b², और ये क्यू का होल स्क्वायर, √Q का होल स्क्वायर करेंगे तो क्यू आ जाएगा, -2ab, 2 a a × b b√Q, ओके, /b², क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। आगे चलते हैं आगे, अब मैं चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, P b² ठीक, a² + b² q, बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ab√Q। अब आप क्या कीजिए, आप एक काम कीजिए, √Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो आप इसको इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव होगा, 2ab√Q, a² होगा यहाँ पे +b² q होगा यहाँ पे, ये चीज़ इधर आएगी बेटा, ये चीज़ इधर आएगी, तो ये बेटा इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस की तो माइनस का p b² मैंने जैसा कि आपको बोला √Q की वैल्यू निकाली, आप √Q a² + b² q -p b² बेटा ये 2ab नीचे आ जाएगा। अब एक बात ची एक बहुत ही समझने वाली बात बेटा यहाँ पे ये है कि आप ये जानते हैं अच्छे से, कई बार मैंने आपको समझाया भी है ये चीज़ कि, ये मैं इधर एक अलग पेज पे बता देता हूँ ये चीज़ कि आपको अच्छे से समझ में आया है। याद देखिए, कोई भी हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है, हैविंग ओनली टू फैक्टर, यदि मैं इसको रूट में रखूँगा ठीक है, तो ये रूट से बाहर तो निकल नहीं पाएगा, तो ये हमारा क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं सारे, इरेशनल नंबर। अब रूट्स ये 7 ले लीजिए, इसके अंदर रूट लगा दीजिए, क्योंकि यदि 49 लेंगे तो ये बाहर निकल आएगा तो ये इरेशनल नंबर है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये इरेशनल नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि पी एंड क्यू आर प्राइम, आप देख लीजिए लिखा हुआ है पी एंड क्यू आर प्राइम, प्राइम नंबर है, अब यदि हम इस तरीके से पी होगा या इस तरीके से क्यू होगा तो इरेशनल नंबर कहलाएगा ना, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ना।
इतना समझ पा रहे हैं तो बस ठीक है, इतना समझ। अब देखिए बेटा ये हमारा क्या है, एक इंटीरियर है, पॉजिटिव इंटीरियर है, ठीक है, या मतलब को प्राइम नंबर है तो इंटीरियर ही, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये, तो हम सारा ये इंटीरियर है, तो ये हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। ये क्या हुआ, जो इसका आर एच एस है जो राइट हैंड साइड में क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस पी बी स्क्वायर अपॉन 2 ab इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर। जब बेटा ये रेशनल नंबर है तो रूट क्यू भी रेशनल नंबर होना चाहिए, है ना? यदि हमारा ये रेशनल नंबर है तो रूट क्यू रेशनल नंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताइए, रूट क्यू रेशनल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जब हमारे ये सारे ए भी यहाँ लिख देंगे या मेंशन कर देना, वेयर ए बी पी एंड क्यू आर इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है, तो फिर ये रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर है तो ये हमारा रूट क्यू भी रेशनल नंबर हो जाए, रूट क्यू इज ऑल्सो रेशनल नंबर। बट लेकिन बट लिखेंगे बट लेकिन लेकिन क्या, बट अवर कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर CONTRADICTS, अवर कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन रूट क्यू है वो एक इरेशनल नंबर है, क्या एक इरेशनल नंबर है, हमारा कॉन्ट्राडिक्ट ये बोलता है, या हम ये पहले से जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एक नोटबुक पे बताया था कि ये इरेशनल क्यों है, ये अभी अब समझाया था, अभी अब मैंने बिल्कुल जस्ट अभी समझाया था, फिर दोबारा समझाया था। कोई भी प्राइम नंबर है यदि वो रूट के अंदर होगा, जैसे कि 5 है, जैसे कि 3 है, जैसे कि प्राइम नंबर की बात बोल रहा हूँ, कंपोजिट नहीं, तो प्राइम नंबर है तो हमारा क्या इरेशनल नंबर होता है। अब उन्होंने पहले बोला पी एंड क्यू आर प्राइम है, अब वो रूट के अंदर आ जाए तो बेटा वो इरेशनल है या नहीं, हम ये पहले से जानते हैं, हमारा कॉन्ट्राडिक्ट यही बोल रहा है कि ये तो भाई इरेशनल है, लेकिन यहाँ हमारा निकल के आ रहा है कि ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, बट अवर कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट क्यू इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यहाँ जगह नहीं है तो लिख दें सो अवर सपोजिशन सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस फिर वही लिख दीजिए, हैंस रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। तो बेटा ये आपको समझ में आया, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको ना समझ में आई हो, मैं थोड़ा सा रिव्यू थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले हमने क्या किया, लेट किया कि वो ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा, ये बी है, ठीक है बेटा, ए और बी की फॉर्म में होगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, इसको इधर लिया, ये एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, फिर स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने के बाद फिर हमने रूट क्यू की वैल्यू निकाली, फिर हमने देखा कि यहाँ सारे इंटीरियर हैं, जब इंटीरियर है तो ये एक रेशनल नंबर होगा, जब रेशनल नंबर ये और ये इक्वल्स टू में तो वहाँ भी रेशनल नंबर होना चाहिए रेशनल, बल्कि ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ये तो हम यहाँ तो हमारे अकॉर्डिंग रेशनल आ रहा है, बट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो ये बोल रहा है कि भाई ये तो इरेशनल है, तो बट अवर कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमारी सपोजिशन थी वो कैसी रॉन्ग, गलत है, इसलिए रूट पी प्लस क्यू इज एन इरेशनल नंबर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से इसको कर लें। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है, रूट थ्री इज इरेशनल, रूट फाइव, 2+√5 या √3+√5, जो कि मैंने अभी पिछले लेक्चर में कराया था, तो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसको अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें बेटा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि सब्सक्राइब करने के कुछ पैसे तो लगते नहीं है, ना मुझे मिलेंगे ना आपको, तो फ्री की चीज़ें क्या छोड़ी जाए। एंड यदि आपको अच्छा लगा हो, अच्छे समझ में आओ, तो एक लाइक तो बनता है। ओके बेटे, बाय।